कैसे हैं आप सब? और अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत अच्छी हूँ और इंशाल्लाह आप सब के हक़ में भी दुआ हमेशा करती हूँ। और इंशाल्लाह अभी पता है मैं नाश्ता नहीं कर रही हूँ, पहले हम बना रहे थे रील, बिकॉज यहाँ के टाइम और वहाँ के टाइम में बहुत फ़र्क है। तो अमीन बोला मामा पहले रील्स बनाओ, उसके बाद ही आपको ब्रेकफास्ट करने का बैठने दूंगा मैं। तो मैं अब जा रही हूँ नाश्ता करने, इसके बाद हमारी कारवां निकलेगा ज़ियारतों के लिए। और ज़ियारतें तो आप लोगों के साथ दिखा ही रही हूँ, बता ही रही हूँ, जितना बोल सकती हूँ बता सकती हूँ वो बताने की कोशिश कर रही हूँ। और आज तो फिर से मेरी बारी है, क्योंकि आज मुझे फिर से आपके साथ कुछ बातें करना है। और जिनके साथ बात करना वो चाहते हैं कि सोशल मीडिया के ज़रिए बात हो, तो इंशाल्लाह डोंट माइंड, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मैंने ज़िंदगी को ठान लिया है। जब मैं सोच रही थी कि ये बंद मुट्ठी है, बंद किताब है, ये घर की बातें हैं, लेकिन जब आपने इसको बाज़ार में लाया है तो चलिए फिर बाज़ार में ही बैठ के बातें करते हैं। और मैंने तो बड़े पीर की सरकार के यहाँ से आपसे दिल की बात पूछी थी, उस बात का आंसर आपने बड़े अच्छे लहजे से दिया, तो वो समझ में आता है, मुझे भी आता है, दुनिया को भी आता है। पर दुनिया को मैं कभी सवाल और जवाब के बीच में लाने की कोशिश नहीं की। पर बहरहाल अभी तो मैं जा रही हूँ ब्रेकफास्ट करने, उसके बाद थोड़ी थोड़ी गुफ्तगू करते रहेंगे हम। आ जाइए। ये देखो मम्मी कैसे लग रही है आज का अबाया स्पेशल। आज ये बच्ची ने एक अबाया भेजे जो बहुत सारे अबाये है, तो थैंक यू बेटा। ज़ियारत माशाल्लाह, इनके बारे में इतनी दिल को कुछ छुई बात मेरी, तो मैंने बोला ज़रूर आपके साथ ये बात ज़रूर बताना चाहूँगी, क्योंकि मैं ऐसी एक पीर है जिनकी मैं दीवानी हूँ, वो है मेरे बालिशा पीर जो मजनून है, और उन्हीं की कैटेगरी में इनको भी बोला जाता है कि ये भी मजनून है। मजनून का मतलब पता है कि उनको दुनिया से कोई लेना देना नहीं, वो अपनी दुनिया में, अपनी ज़िंदगी में, अपने जहान में खुश रहते हैं। तो इनका भी मैंने एक वाक्या सुनी, जो यहाँ के राजा थे वो ये क्या करा करते थे, एक यहाँ पे एक समंदर है, समंदर के किनारे ये एक, जैसे हमारे बच्चे जब हम जाते हैं समंदर में, तो एक बच्चे क्या कुछ भी बनाते, झोपड़ी बनाते, महल बनाते, जो भी बनाते, तो इसी तरीके से ये क्या करते थे, एक समंदर के किनारे अपनी झोपड़ियाँ बनाते रहते थे, और बस वो अपनी धुन में, अपनी दुनिया में रहते। तो राजा का वहाँ से गुजर हुआ, तो राजा ने उनको पूछा कि बैतुल दारा क्या कर रहे हो, तो कहा कि जन्नत का महल बना रहा हूँ। तो कहा बेचोगे, तो कहा हाँ, तो बोले कितने रुपए, बोले 10 रुपए। तो राजा बोले बैतुल दारा नहीं, बैतुल दीवाना है, ऐसे कहकर वो चले गए आगे। फिर दूसरे दिन उनकी बीवी की सवारी हुई, उनकी बीवी का नाम है ज़ुबैदा, जो मेरी खास मैं आपको बताना चाहूँगी कि मेरी सास का अयूब की अम्मी का नाम है ज़ुबैदा, और अयूब ने मुझे हमेशा ज़ुबी बोलकर ही बुलाते थे। तो वो वहाँ से उनका गुजर हुआ, तो उन्होंने बोला बैतुल दारा क्या कर रहे हो, बोले बीवी महल बना रहा हूँ जन्नत के लिए। तो कहा बेचोगे, बोले हाँ, तो बोले कितना, बोले 10 रुपया। तो उन्होंने निकाल के उनको दे दिए 10 रुपये, तो बोले जाओ तुम्हारा नाम लिखा गया, और वो चली गई बीवी। और जब राजा रात को सोए तो उनको सपने में दिखा कि इतने आलीशान महल ये किसका है, तो उन्होंने सपने में देखा, और जब देखा तो बोले इतनी आलीशान महल, ऐसा महल तो मैंने कभी देखा नहीं।
फिर उन्होंने अंदर जाने की कोशिश की तो फरिश्ते उनको रोक लिए कि आप यहाँ नहीं जा सकते हो। बोले क्यों, ये तो मेरी बीवी का महल है। बोले वो दुनियाई जिंदगी में, ये तो जन्नत है, ऐसे बोल के उनको रोका गया। फिर उनकी आँख खुली, फिर वो दूसरे दिन गए तो दूसरे दिन देखा कि फिर बैतुल्ला ना वहाँ महल बना रहे थे। तो उनको बोला कि क्या, वो डरते डरते पूछा कि क्या कर रहे हो बैतुल्लाना, तो क्या कि महल बना रहा हूँ। तो कहा बेचोगे? बोले हाँ। तो बोले कितना? तो बोले आज 30 सल्तनत। तो बोले कल तो 10 रुपए कह रहे। तो बोले कल देखा नहीं था ना, आज देखा हुआ सौदा है, और अगर कल आओगे तो पूरी सल्तनत। तो कहने का मतलब ये होता है कि जो हम जब लोगों को मानते हैं, उनकी दीवानगी पे कोई हंसता है, कोई दिल में बसा लेता है। तो ये बस मैं बताना चाहूँगी, अब जिसकी जैसी निस्बत है वो उसको अपना लीजिए। पीछे आप ज़ियारत देख रहे हैं, ये है मारूफ़ खरफी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, इनके मज़ार पे हम आए हैं। और माशाल्लाह जितनी कोशिश कर रही हूँ लेने की वो ले सकती हूँ, ले रही हूँ। और यहाँ पे एक कुआँ है, और यहाँ पे एक जो कुआँ है उसमें इतनी शिफा है, और हमारे बड़े पीर सरकार को वो कुएँ का पानी बहुत ज़्यादा पसंद था, इसीलिए उसकी इतनी शिफा है कि लोग दुनिया भर के जहाँ से आते हैं और अपनी बॉटलों में यहाँ का पानी ले जाते हैं, और इतनी शिफा मानते हैं कि आप जब भी बीमार हो, जो भी कुछ तकलीफ हो, तो आप उसको घर में छिड़क सकते हो, बीमार को शिफा में उसको पिला सकते हो। और कोई अगर आपके घर पर आके अपनी बीमारी का जिक्र करे तो आप उसके अंदर अपनी अहमियत, मतलब वो पानी की जो अहमियत है वो अहमियत समझा कर आप उनको पानी दे सकते हो। तो मैंने भी अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ से पानी भरी हूँ वो कुएँ से, और इंशाल्लाह मैं जब ये ब्लॉग डाल रही हूँ, अगर मेरे आसपास के लोग कोई भी हो, आपको कभी भी ज़रूरत रहेगी ये पानी की, तो आप मेरे घर आके लेके जा सकते हैं। हालांकि मैंने बहुत थोड़ा लिया है, लेकिन कहते हैं ना कि शिफा का एक कतरा भी काफ़ी होता है। और माशाल्लाह यहाँ के बच्चे तो बहुत प्यार करते हैं, बहुत गरीब बच्चे हैं, लेकिन इतनी मिठास और इतनी मोहब्बत है ये बच्चों में, और ये बच्ची ने तो मुझे बोसा भी दिया है। ताकि मेरा बेटा बाबा मामा तेल السلام عليكم اي داعي بس هي احنا عايشين نقول الله يحفظها وان شاء الله ترجع لنا يو واتشينج انستغرام يا عايشه شفت على انستغرام فاول مره انا اشوف انستغرام فاهلا وسهلا بيها من الهند للعراق ولا انسان ان شاء الله تروح ثانك يو الله يبارك ماما باي माशाल्लाह आज बहुत आए जब से, आज हमको काफ़ी अच्छा टाइम मिला। ऐसे भी हम जब ज़ियारतों पे जाते हैं तो आफ्टरनून लंच यही रहता है हमारा, और जज़ाक अल्लाह बहुत अच्छा लंच और डिनर बहुत अच्छा रहता है इंशाल्लाह। तो आज हम लंच किए, फिर मुझे भाई ने बताया कि आप वो मार्केट गए या पीछे वाले मार्केट, तो मैंने बोला नहीं भाई कहाँ टाइम मिलता है। तो बोले हंसने लगे, बोले कि एक काम करो, आज हमने जो दरगाह शरीफ है गौसे आज़म की, तो वहाँ पे हमारे लंगर रखा गया है, और हमने मतलब मैंने नहीं रखा है, हमारे साथ में बहुत सारे लोग हैं टूर में आए हैं, तो उनमें से एक भाई ने रखे हैं। और जज़ाक अल्लाह परसों तो हमने मिलकर 5 बकरे काटे थे, आज 6 बकरे की लंगर है, दावत है, और वहीं हमारी महफिल भी रहेगी। तो इंशाल्लाह मुझे बोले कि आप थोड़ा आप मार्केट देख लो, और उसके बाद फिर आप आ जाना टैक्सी पकड़ के। मैंने बोला ओके, और भाई बोले कि हम लोग फिर निकल जाएंगे, तो मैंने ओके। मैं गई रूम में और बोली, और आज टाइम मिला, बोलते हैं ना कि खाली दिमाग शैतान का,
आंख लग गई और सो गई। जस्ट आप खुली तो ये पूरा ये 3 घंटा जो था वो मेरा मार्केट का था। तो फिलहाल अभी तो निकल रही हूँ मार्केट और आपको पता है देखो टाइम मिला क्या बोला खाली दिमाग शैतान का दिमाग। चलो इंस्टाग्राम यूट्यूब वॉच करना, सब लोगों को सर्च करना, देखना क्या हुआ मेरे इंडिया में और खास मेरे जो चाहने वाले हैं उनको देखना। मेरे चाहने वाले मुझे तो लगता है जो मेरे हेटर्स हैं वो सबसे ज़्यादा मुझे चाहते हैं तो मुझे उनको देखने में ज़्यादा मज़ा आता है। आज सारी पूरी जितनी बाकी थी 3-4 दिन की सारी कसर निकाल ली आज मैंने पूरा देखा और देखते देखते मतलब मुझे कैसा ठीक लगी और नींद लग गई। तो फिलहाल आज मैंने आपको पता है कि मैं यूट्यूब के सारी चीज़ें सर्च करते रहती हूँ तो सर्च करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी यार आ गया सामने ही। तो इंशाल्लाह मुबारक आपको तीसरी शादी क्योंकि मैंने एक वीडियो देखा टाइटल देखा तीसरी शादी कर रहे हैं आप तो अच्छा खासा मजाक बना के रखा है आपने जिंदगी को अपने और क्या बोलूँ मतलब मजाक बना के रखा तो किसी को मतलब हर किसी को लाफिंग और स्माइल करने का एक आपने अपने आप को एक प्रेजेंट कर दिया है। और मैं कहाँ लेकर जाना चाहती थी आपको और आप कहाँ जा रहे हो आप खुद देखो। और मैंने गौसे आजम के यहाँ से आपसे कुछ सवाल किया था वो मेरी दिली बात थी वो दिल की चाहत थी और इंशाल्लाह देखो चाहत तो कभी जाती नहीं है ये है कि देखो ठहराव हो जाता है या उसके अंदर इजाफा होता है ये दो ही चीज़ होती है। अब हमारे ज़िंदगी में ठहराव हुआ है इजाफा नहीं हो रहा लेकिन चाहत जो है वो चाहत तो चाहती होती है। जैसा इंसान कभी अपने बदला नहीं भूलता है तो वैसी तरीके से अपना प्यार भी कभी नहीं भूलता है। तो खैर अपने अपना नज़रिया अपनी अपनी बात है तो फिलहाल तो ये देखा मैंने ये देखकर बड़ा अच्छा लगा कि आपने बोला कि तुम्हारे बच्चों को और तुमको मैं अल्लाह के घर तक माफ़ करता हूँ। देखो माफ़ी तो अल्लाह के सिवा कोई नहीं दे सकता ये बड़ी अच्छी बात है इंसान की कि इंसान ये दो लफ्ज़ बोल के चला जाता है पर ये दो लफ्ज़ बोलने के नहीं होते ये दो लफ्ज़ में जो बातें होती ना वो महसूस करने की होती है और सबसे बड़ी बात वो हमारी ज़िंदगी में क्या मायने रखती वो होती है। मैं ज़िंदगी में बोलना पसंद नहीं करती हूँ वो ज़िंदगी को अपने मायने उतारना पसंद करती हूँ। और आप लाख बोलो या नहीं बोलो लेकिन 3 साल तो आपने भी मेरे साथ गुजारे आप भी अच्छी तरीके से वाकिफ हो मेरी ज़िंदगी से मेरी बातों से। मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करती हूँ लेकिन जो बात है वही बात करती हूँ है ना आप भी जानते हो। और आपने तो हमेशा तारीफ ही की है कि तेरे सर पे हमेशा गरीब नवाज का हाथ है तेरे साथ बुजुर्गों का साया चलता है और तुमने मुझे हमेशा ये जुबी नाम बोला जो तुम्हारी अम्मी का नाम था। अल्हम्दुलिल्लाह आज जो जियारत पे गई थी इतना बड़ा मर्तबा है उनका इतना बड़ा नाम है इंशाल्लाह। देखो मैं तो हमेशा उनके हक में दुआएं करती हूँ और इतनी पाक जगह पे आई हूँ सबसे पहले मैं अपने पहले तो ज़िंदगी में मैं अपने माँ बाप के लिए दुआ करती थी सबसे पहले अपने माँ बाप के लिए सबसे पहले मैं बड़े पीर सरकार और फिर उसके बाद गरीब नवाज उसके बाद अपने माँ बाप के लिए मैं दरूद शरीफ भेजती थी। लेकिन अब ऐसा होता है कि मैं पहले सरकार को फिर गरीब नवाज को उसके बाद मेरे सास ससुर को उसके बाद मेरी अम्मी अब्बा को क्योंकि शादी के बाद कहते हैं कि सास ससुर सबसे बड़ी पहली चीज़ होती है ससुराल हमारा पहला होता है मायका बात में हो जाता है। तो मैं ये चीज़ की अहमियत बहुत रखती हूँ। ये अलग बात है कि मेरी कुछ बातें हैं मेरी ज़िंदगी की बातें हैं जो शायद आपके साथ मेल नहीं खाती है और वो शायद दुनिया भी देख रही है कि क्या वजह है क्या चीज़ है। अब लोग बोलते हैं कि आपको अपना घर का मामला बाहर लेकर नहीं आना चाहिए था। अब सोशल मीडिया पे यार इतनी बड़ी आईडी चलती है इतना बड़ा आप देख ही रहे हो कि मेरे नाम के थिम्बा और मेरे नाम का टाइटल लगाए बिगड़ तो वीडियो नहीं डालते तो अगर मैं छींक भी दूंगी तो लोग वो चीज़ का भी पागो करते हैं कि क्या ऐसे है वैसे गॉसिपिंग तो चलती रहेगी ज़िंदगी भर जब तक मैं फेम में हूँ जब तक दुनिया को दिखती हूँ तब तक मेरे लिए गॉसिपिंग चलती रहेगी ये अलग बात है। हाँ ये है कि तुमने जो गलती कर दी ना उसका तुमने तमाशा बना लिया अपने आप को और एक बात बोलूँ मुझे बहुत तकलीफ़ होती है चीज़ का हालाँकि मैं तुमसे बात नहीं करती हूँ तुमसे मिलती नहीं हूँ लेकिन मैं हर चीज़ हर किसी की चीज़ देखती हूँ तो कहीं ना कहीं मेरे दिल को वो तकलीफ़ होती है कि तुमने अपना मजाक खुद बना लिया लोगों के सामने और तुमको ये चीज़ समझनी चाहिए बिकॉज तुम छोटे बच्चे नहीं हो ठीक है ना। तुम्हारी मेरी लड़ाई है वो उसमें कहते हैं ना दो बिल्ली की लड़ाई में कोई और फ़ायदा उठा कर ले चले जाता है तो वो चीज़ हो रही है अभी भी संभलो और मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है आप चाहे कितना भी बोलो। मैंने तो देखो बड़े सच्चे दिल से आपसे माफ़ी मांगी थी और सच्चे दिल से आपसे अभी भी चाहत रखती हूँ। ये मेरे सरकार जाते जिस दरबार में मैं बैठी हूँ जिस जगह पे मैं बैठी हूँ इस जगह का नाम लेके और भी बहुत सारे लोग
तोहमतें लगा रहे हैं मेरे पर कि वहाँ जाकर मेरे हस्बैंड ने लिया या मैंने लिया, मुझे कुछ नहीं फर्क पड़ता। ये मैं ही जानती हूँ, इस आयरा सत्ता ने अगर 15 लाख तो छोड़ दीजिए, अगर 50 लाख भी लेती है ना तो देने की ताकत रखती है और वो नीयत रखती है। और आज तक तो मैंने कभी किसी से कर्जा ली नहीं हूँ, और मेरे अल्लाह, मेरी सरकार, मेरे गरीब नवाज, मैं हालांकि बहुत बड़े पीर सरकार के यहाँ बैठी हूँ जो गरीब नवाज के ऊपर है, तब भी मैं गरीब नवाज का नाम इसलिए लेती हूँ क्योंकि मेरी अलग ही उनसे निस्बत है। वो कभी मुझे ये दिन नहीं लाए कि मैं किसी की मोहताज बनूं, 50,000 या 50 रुपया का 1 रुपये की भी किसी की हकदार बनूं या किसी की कर्जदार बनूं। ये और बात है कि जिंदगी में अल्लाह पता नहीं कौन से मोड़ पे कौन सी चीज़ें आती है, कौन सी चीज़ें जाती हैं, ये खुदा ही जाता है। क्योंकि जो ज्यारतों पर मैं निकली हूँ, जो ज्यारतें सुन रही हूँ, जो हदीसें सुन रही हूँ, जो उनकी जिंदगी की कहानी सुन रही, तो पता नहीं कौन सा वक्त, कौन सी चीज, कौन सा मंजर क्या होता है, वो कहाँ से, वो मंजर कहाँ से चीज वो कहाँ ले जाता है, वो अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता है। अब मेरी जिंदगी में अचानक से अय्यूब का आना और उसके बाद इतनी मोहब्बत जगना, क्योंकि मैंने इतनी मोहब्बत में किसी से नहीं कही जिंदगी में, इतनी जिंदगी में मैंने किसी से मोहब्बत नहीं की, तो ये अचानक होना और उसके बाद फिर ये हादसे होना, और ये हादसे के बाद ये आदमी जो कभी मैं सोची भी नहीं थी कि ऐसे वर्ड्स यूज़ करेंगे या ऐसे लोगों के सामने इतना तमाशा बन जाएंगे, जो आदमी जब आप कहते हो कि मैं बोलने नहीं देती थी, बताने नहीं देती, आज वो अपने आप को तमाशा बना के रख लिए, तो मैं नहीं जानती हूँ अल्लाह की क्या मर्जी है, अल्लाह ही जाने क्या अल्लाह ने क्या लिखा है हमारे नसीब में। लेकिन अल्लाह से और बड़े पीर सरकार से यही अर्ज़ करती हूँ, यही दुआ करती हूँ कि जो भी जिसके हक का हो ये उसको वही वही चीज़ मिले। मैंने कभी ये नहीं बोला कि मुझे ये मिल जाए, उनको वो मिल जाए, नहीं, जो जिसके नसीब में अल्लाह ने दिखा है वो मुकर्रर है, वो मिलना है, वो होना है, वो होना है। तो इंशाल्लाह चलिए अब मैं जा रही हूँ थोड़ा सा शॉपिंग के लिए, अब बहुत सारी गॉसिपिंग हो गई, इंशाल्लाह बातें तो बहुत है और दिल को तकलीफ भी बहुत है, क्योंकि जिसको आप चाहते हो, जिससे प्यार करते हो, जिसको अपना समझते हो, और उसके लिए आप बोलोगे ना तो तकलीफ नहीं होगी, लेकिन किसी और की तरफ से आप कुछ, जैसे मेरे बच्चों की नहीं, मेरे बच्चों को आज मेरे जो ग्रुप है ये सब देख रहे कि मेरे बच्चों को मैं डांटी भी देती हूँ, गुस्सा भी करती हूँ, लेकिन अगर कोई गैर बोलता है तो बड़ी तकलीफ होती है। जब अपनों को कोई गैर बोलता है तो बहुत तकलीफ होती है, अपनों को जब कोई गैर बुरा दिखाने की कोशिश करता है तो बहुत तकलीफ होती है। तो ये चीज़ हमें अपने आप को समझना चाहिए, ना कि हम किसी को नहीं, देखो दुनिया है, दुनिया तो ऐसे ही है, दुनिया आपको तमाशा बनाने को 1 मिनट लगाएगी, पर आपको समझना चाहिए कि आपको तमाशा बनना है या नहीं बनना है। और मुझे पता है ये बात सुनकर भी आप इसमें से भी कुछ ना कुछ हेटी चीज़ निकालोगे, तो ठीक है चलिए अभी तो फिलहाल मैं जा रही हूँ शॉपिंग को, और इंशाल्लाह फिर आज मेरे बड़े पीर सरकार का लंगर है तो वो भी मेरे नसीब का है, तो वो भी खा लूँ, महफिल है, महफिल में इंशाल्लाह जो भी दिखा सकती हूँ आपके साथ ज़रूर दिखाऊंगी। और ज़िंदगी है और ये हेटर्स है और मैं लाइफ में हूँ, ये तो सामना करना पड़ेगा। और सायरा सत्ता ने ज़िंदगी में कभी किसी चीज़ से डरती नहीं है, और मैं यहाँ हूँ, कोर्ट का जो बात है वो भी मुझे थोड़ी बहुत करनी है, इंशाल्लाह आके करती हूँ। जैसे कि मैं आपको बताइए, आज माशाल्लाह काफ़ी देर तक यूट्यूब देख रही थी तो बहुत सारी चीज़ें दिखी है मुझे, आपकी भी दिखी और आपकी तो खास करके मैं देखती हूँ। क्या कह रहे थे आपके, किसी के प्यार में एक शहर छोड़ दिए, और गुजरात में हो या महाराष्ट्र में हो, कभी मेरे पर कोई केस नहीं बना और किसी के प्यार की खातिर मुझ पर केस बन गया। तो सेम चीज़ मैं भी बोल सकती हूँ यार, कि मैं अकेली ज़िंदगी जी रही थी और मैंने तो दुनिया को बताया कि मैं ब्याज पे भी पैसा चलाती थी, उसके बावजूद भी मेरे नाम पे कभी एक एंसी नहीं बनी, और आपकी प्यार की खातिर, आपकी चाहत की खातिर, आपकी साथ की खातिर आज मैं भी गुनहगार बन गई, मेरे पर भी केस बन गया है, और उसके बावजूद, उसके बाद अखी दुनिया में जो सायरा सत्तानी को लोग मोहब्बत से, प्यार से देखते थे, आज उसकी, उसको एक और नज़रिए से देखा भी जाता है, जो आप उसके, खास करके आप हो उसके, क्या बोलते हैं, कारण। आइए बिस्मिल्लाह करने के लिए बड़े पीर सरकार का लंगर, और हम तो खा रहे हैं, तो बस वीडियो के जरिए आप लोगों को दावत दे सकती हूँ, और यही दुआ करूँगी सरकार की यहाँ बैठी कि आप सब भी यहाँ आए और अल्लाह आपको आना नसीब करे, आमीन। और जिन्होंने ये लंगर किया है अल्लाह उनके हमेशा खाने में बरकत दे, हमेशा खिलाने वाला रखे, और दुनिया जब तक रही, जब तक जिंदगी रही, तब तक उनके हांडी में कभी खाना कम नहीं है। बस मेरे तरफ से तो यही दुआ है, तो जहाँ लंगर हो रहा वो कभी कम होने देंगे भी नहीं। चल आपको क्या दिख रहा है, देखो बड़े पीर सरकार का आस्थाना,
और यहीं पे अभी हमने लंगर भी खाए और अल्हम्दुलिल्लाह करोड़ों एहसान है कि ये जगह पे मेरे अल्लाह ने, मेरे गरीब नवाज से और मेरी माँ की दुआओं ने हम मुझे यहाँ तक भेजे, जजाक अल्लाह। और इंशाल्लाह अभी हमारी महफिल लगेगी और मुशायरे, महफिल, हदीसों की बातें वो वगैरह होगा, तो इंशाल्लाह आज कोशिश करूँगी कि थोड़ी बहुत बातें जो मैं सुनती हूँ और आप लोगों के साथ शेयर करते रहती हूँ, लेकिन इतना अच्छे से मुझे आता नहीं है, तो मैं कोशिश करूँगी कि आज जो अब बयान चालू होगा या हदीसों की बातें होगी तो वो डायरेक्टली उनकी आवाज़ से आप तक पहुँचाने की। और इंशाल्लाह मैंने कहा ना कि आज मैंने जब यूट्यूब देखी तो अयूब बोल रहे थे कि मैं कभी मेरी दोनों औरतों को, मतलब मेरी वो औरत को तो कभी मैं छोड़ा ही नहीं हूँ और ये औरत को भी कभी छोड़ा नहीं हूँ। अब वो औरत को आपने नहीं छोड़े ना, वो मुझे पता है, दुनिया को भी पता है कि नहीं पता है, क्योंकि दुनिया के सामने वो बातें खुलकर नहीं आती है, लेकिन मेरी बातें तो खुलकर आती है। मुझे तो आपने छोड़ा ही है और मुझे छोड़कर ही गए हैं और कोई मसला नहीं है। आप झूठ बोलते हो क्योंकि इतनी बड़ी जगह पे खड़े रह के मैं जो बोल रही हूँ, मुझे पता है कि मैं सच बोल रही हूँ या झूठ बोल रही हूँ। दुनिया इसके ऊपर कुछ भी बात करे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर मैं जानती हूँ कि मैं सच बोल रही हूँ या झूठ बोल रही हूँ, और इसके गवाह मेरे पीर है, जो बड़े सरकार है जिनके आस्थाने पे खड़े रह के मैं ये बात कर रही हूँ। तो मुझे ज़रा भी डर नहीं लगता है कि मैं झूठ बोल रही हूँ या सच बोल रही हूँ, क्योंकि मुझे पता है मैं सच ही बोल रही हूँ। कोई मसले मसाल नहीं थे, कुछ भी नहीं था, ज़बरदस्ती की बातें थी, ज़बरदस्ती का आपने जो चीज़ कलाम पाक को लेके बयान किए, आपको आपकी वो सब फितरू और आपकी सब दिमागी बातें थी, आपकी सोच थी, बात कुछ भी नहीं थी, या तो फिर ये था कि बस आपको मुझसे दूर जाना था, एक बहाना चाहिए था। और दुनिया जानती है कि आप मुझे छोड़ कर ही गए। आपने ये बोला ना कि ना मैं बड़ी औरत को छोड़ा हूँ, ना मैं मतलब सेकेंड औरत को छोड़ा हूँ। देखो माशाल्लाह मेरे बच्चे देखो घूम रहे। वालेकुम अस्सलाम। माशाल्लाह देखो ये गए बड़े पीर सरकार का पूरा आस्थाना के सामने जहाँ लंगर होता है, वहीं पे हमारा भी लंगर हुआ, घूमे फिरे। और आपको पता है मैं बीच बीच में ये सब बातें इसलिए करती हूँ क्योंकि मेरे जहन से ये सब बातें जाती नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बच्चों के चेहरे पे रौनक देखो, और आज तो माशाल्लाह अमीन ने तो सरकार के कलर की ही टोपी भी पहनी है अल्हम्दुलिल्लाह। मैं चाहती हूँ जिंदगी भर मेरे बच्चे ऐसी तरबियत में रहे, और ये मैं चली भी जाऊँ दुनिया से, लेकिन ये जो मेरी सीख है, जो मेरी बच्चों को तरबियत है, ये अपने बच्चों के साथ दे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। हम भी चाहते हैं हमारी मम्मी ऐसी खुश रहे। इनके बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगी, लेकिन इन्होंने मेरा इंस्टाग्राम देखा, यूट्यूब देखा, मेरे मम्मा आप बहुत शौक से हुक्का पीते हो, तो मेरे तरफ से शीशा गिफ्ट। माशाल्लाह माशाल्लाह। इतना आज का भी दिन बहुत अच्छा बीता, बहुत अच्छी रात बीती, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और कहते हैं ना कि आप जैसी चाहत रखते हो, आप जैसी रहना पसंद करते हो, अल्लाह आप लोगों आपको उन्हीं लोगों में जोड़ देते हैं। तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह से यही गुजारिश है और बड़े पीर सरकार से यही गुजारिश है, जो जैसा हो अल्लाह उनको उसी तरीके से जोड़ दे। इसी बातों के साथ इंशाअल्लाह वो बच्चे ने तो फ्लेवर भी बढ़ा के दिया है मुझे, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बड़ी खुशी हो रही है। बात छोटी और बड़ी की नहीं होती, गिफ्ट की बात होती है इज्जत की। आज सात समंदर पार होने के बाद भी अल्लाह ने यहाँ भी मुझे इतनी इज्जत अफजाई दी है, और आपको पता है ना उनको हमारी भाषा आती है ना हमको उनकी भाषा आती है, लेकिन ये बड़ी बात है कि जो मोहब्बत है ना ये मेरी इंस्टाग्राम और यूट्यूब की जो मोहब्बत है अखी दुनिया में फैली हुई, तो अल्लाह पाक सबको ये चीज़ अता करे, और इससे ज़्यादा सच्ची मोहब्बत सबके दिल में सबकी नज़रों में अता करे। यही दुआ और यही ख्वाहिश रखकर ये ब्लॉग एंड करना चाहती हूँ। इंशाल्लाह इसमें अगर कुछ गलती हो तो माफ़ी, और जाने के वक्त जिस दिन लास्ट डे होगा उस दिन मैं माशाल्लाह हुक्का भी पीऊँगी और काफ़ी अच्छी खुशी खुशी यहाँ से विदाई लूँगी, ताकि जैसे मैं गरीब नवाज के यहाँ से खुशी खुशी विदाई लेती हूँ, गम की बात नहीं होती, हम खुशी से विदाई लेते तो वो खुश होकर हमें फिर अपने दर पर बुलाते हैं। यही मैं ख्वाहिश रखती हूँ, और इंशाल्लाह जो भी गलती हो दिल से माफ़ी। एंड अल्लाह हाफिज़।